आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। इंदौर में खंडवा रोड स्थित अखंड परम धाम आश्रम में श्री गुरु पूजा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसी के चलते युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज इंदौर आए हुए हैं। पूज्य स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज ने गुरुवार को पत्रकारों से विभिन्न मुद्दों पर बात की। पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में तुरंत लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं इसका समर्थन करता हूं। साथ ही उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर भी पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि आरक्षण आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए, भले ही वह किसी भी जाति संप्रदाय का हो। उन्होंने कहा कि जल्द ही अयोध्या में रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण के साथ साथ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की भी समुचित व्यवस्था हो, ऐसे प्रयास राम जन्मभूमि न्यास कर रहा है। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना पर स्वामी जी ने कहा कि अभी भी सावधानी रखना आवश्यक है। यदि लोग लापरवाही नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना महामारी नहीं फैल पाएगी। आवश्यक भी है और कुछ हिस्सा अनावश्यक। जैसे किसी क्षेत्र कमजोर का बचाना, रक्षा करना, चाहे वो आर्थिक रूप में हो, शैक्षणिक रूप में हो, अधिकार के मामले में हो, आवश्यक है। लेकिन एक काफी दिनों से समस्या है कि जिनको आरक्षण के द्वारा वो पूर्ण समृद्ध परिवार हो गए हैं, उनको आरक्षण क्यों नहीं? इसलिए उस समाज के जो अभी भी पिछड़े हैं उनको आरक्षण नहीं, पर लोग बरगला देते हैं तो बात हो नहीं पाती। अब सरकार ने उसे प्रांतों पे छोड़ दिया है कि उनको आरक्षण दिया इनको नहीं। अब उसमें से पूरी जाति का जब आरक्षण का आता है, कई जाट समान, कई कोई समान, तो उनमें कई लोग ऐसे हैं कि जो एक एक शादी में करोड़ों खर्च कर रहे हैं वो आरक्षण मांग रहे हैं। को आधार, पिछड़ेपन को आधार बनाना चाहिए। मैं नहीं समझता, मुझे लगता है कि रामलला को तो हम 2 साल में बिठा देंगे। गरीबी को आधार बनाना चाहिए और जिन जातियों को आरक्षण है उनमें भी उन लोगों को जो सक्षम हो गए हैं, समर्थ हैं, कोई कलेक्टर हैं, कोई तहसीलदार हैं, जो पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को, वो आरक्षण से अलग हो तो उन्हीं की जाति को और बना दें, पर उनका वाला आरक्षण उन्हीं की जाति को मिले पर गरीबों को मिले, समर्थ को ना मिले। पर पहला कदम ये, क्योंकि अभी लोगों को लग रहा है कि हमारा आरक्षण खत्म करने के लिए नई स्कीम है, लोग भ्रम पैदा करते हैं, ना वो तो विपक्ष वाले करते हैं, तो पहले ये कि उन्हीं की जाति को मिले, लेकिन उनको न मिले जो सक्षम है, तो पहले उनकी जाति में गरीब को आधार बनाए, उसका लाभ समझ आएगा। इसी तरह अन्य जाति जो मांग रही है, अन्य मजहब के या जाति के, उनको भी अब जब दिया जाए तो उनकी जाति के गरीबी को आधार बनाया जाए। जैसे जाट मांगते हैं, कहीं गुर्जर मांगते हैं, कहीं कोई मांगता है, तो वो मांगते हैं जो करोड़ों अपनी शादियों में खर्च करते हैं, वो आरक्षण मांग रहे हैं। तो अब जो नए लोगों को दिया जाए उनमें भी जाति आधार न बना के गरीबी को आधार बना के आर्थिक हाँ। वो अभी हम बता ही रहे थे कि अस्पतालों में जगह नहीं, स्कूलों में जगह नहीं, रोड में जहाँ में जनसंख्या ज़्यादा है, और जगह इतने कॉलेज नहीं बढ़ाए जा पा रहे हैं, इतने अस्पताल नहीं बढ़ा पाते जितनी जनसंख्या बढ़ती है। तो ये हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, ये विषय जब नहीं था तब भी हमें लगता था कि कहीं जगह नहीं मिलती, तो ये संख्या कम हो तो ये काम बनेगा, इसलिए जनसंख्या कम होनी चाहिए।
लेकिन ये कानून कोई भी स्थायी न बनाए जाए। इन कानूनों में स्वयं लिखा जाए कि जब तक आवश्यक है तभी तक ये रहेगा, इसके बाद ही बदल दे। जैसे अभी जनसंख्या दो की कर दे मान लो, ठीक है, लेकिन हो सकता है 50 साल बाद इसे बदलना, क्योंकि संख्या जब कम हो जाएगी, अब हमको एक टीचर चाहिए, एक डॉक्टर चाहिए, एक मिलिट्री को चाहिए, एक आध साधु बनने को भी चाहिए,